ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरां त्रिकारी भानु शशी भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु नवग्रहा शांति करा भवन्तु क्रूरग्रहा शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने के योग बना रहा है। सूर्य महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं। सूर्य महाराज आपकी राशि के स्वामी होकर बड़े सुंदर योग बना रहे हैं। इस बार सूर्य भाग्य में जा रहे हैं, उच्च के होके जा रहे हैं। कहा गया ना कि भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत, और ग्रह योग आपके लिए यही स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आपके लिए बड़ा सुंदर योग है, ऐसे में ध्यान रखिएगा भाग्य का संपूर्ण लाभ। अंतिम जो कार्य होता है भाग्य ही करता है। यदि भाग्य साथ हो, भाग्य का समय साथ दे दे, तो आप कहते हैं वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं। यही स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बनती दिखाई दे रही है सिंह राशि वालों। सूर्य इन दिनों राहु के साथ चल रहे थे, राहु के साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान थे, और अष्टम भाव में राहु के साथ विराजमान होकर शांति नहीं दे रहे थे। इधर उधर छपट, इधर मतलब स्थिति बड़ी विचित्र बना रखी थी। एक डेढ़ महीने से जो सूर्य राहु के साथ युति चल रही थी, उससे पहले ग्रहों की स्थिति अशुभ की, अनहोनी की स्थिति दिखाई देती है। कोई भी कार्य में मन लगने नहीं देती। अब वो सब ग्रास से निकलकर, राहु के ग्रास से निकलकर परिवर्तन का योग बना लिया है सूर्य महाराज ने, और आपके भाग्य में आकर उच्च के होकर विराजमान हो गए। मेष राशि में सूर्य जब आते हैं 13 अप्रैल को, तो उच्च के हो जाते हैं। 13-14 अप्रैल के मध्य में हमेशा परिवर्तन का योग, संक्रांति का योग बनता है, तो ऐसे में ये सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए भाग्य को जगाने वाला है। बृहस्पति के साथ विराजमान है, और अच्छी बात यह है, आमतौर पर जब सूर्य के आसपास जो ग्रह होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। इस बार जो सूर्य और बृहस्पति का योग बन रहा है, वो बड़ा ऐसा योग है कि सूर्य उस स्थिति में बृहस्पति को रहकर, साथ में रहकर भी अस्त नहीं होंगे बृहस्पति। सूर्य महाराज अभी 1 डिग्री के शुरू आप आरंभ होंगे, और आगे चलकर धीरे धीरे एक हर रोज 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे। 30 दिन में 30 डिग्री पार कर लेते हैं सूर्य महाराज। बृहस्पति महाराज अंतिम डिग्रियों में चल रहे हैं। 1 तारीख को उनको बदलना भी है, 1 मई को उन्होंने राशि परिवर्तन करने का योग बनाना है। तो यानी करीब करीब काफ़ी लंबा डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। उदित सूर्य के साथ उदित बृहस्पति, सूर्य उदित हमेशा ही रहते हैं, बाकी ग्रहों को अस्त करते हैं, और ऐसे में सूर्य के साथ में उदित बृहस्पति का योग बन रहा है आपके भाग्य में बन रहा है। बड़ा सुंदर भाग्य के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये समस्याएं आपके लिए बहुत ये ग्रहों का योग जो है वो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इसका संपूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास कर, आगे बढ़ने के योग है। ऐसे में यदि मन को और साध लें, चंद्रमा विशेष तौर पर वैसे तो परिवर्तन का योग बनाएगा, लेकिन सिंह राशि वालों को समझ लें कि चंद्रमा को यदि साध लिया, मन को साध लिया, तो बहुत सुंदर तरीके से भाग्य से लाभ बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, मन बड़ा चंचल होता है। चंद्रमा सबसे चंचल ग्रह, मन का स्वामी चंद्रमा, आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा 12वें भाव के मालिक हैं, और ये बहुत जल्दी जल्दी 2.5-2.5 दिन में हर राशि को परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। इस पूरे 1 महीने में चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे। तो ऐसे में यदि मन को साधने का प्रयास कर लिया, चांदी, मन का साधने का तरीका 2 ही हो सकते हैं, चांदी या चंद्रमा, या चंद्रमा संबंध है, चावल का चंद्रमा संबंध है, और विशेष तौर पर एक काम कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। हर रोज़ चांदी के बर्तन से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लें। चांदी के बर्तन में थोड़ा सा रोली डालकर, थोड़ा सा दूध डालकर, थोड़े चावल डालकर ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए यदि आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल दें, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाग्य में जो कार्य रुके हुए थे इनको पूर्ण करने का योग आप बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, सूर्य आपके वारे न्यारे करने के लिए बहुत बढ़िया से परिवर्तन करने का योग बना के आए हैं, भाग्य जगाने का योग बना रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से लाभ का योग बना रहे हैं, इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ में एक समस्या भी रहने वाली है, आप समझ लीजिए, कारण भी बता रहे हैं आपको। शनि की दृष्टि बृहस्पति और सूर्य दोनों पर पड़ रही है, और शनि जिद के मालिक हैं, शनि अंधकार के मालिक हैं, शनि आपकी गति को धीरे करने वाले हैं। ऐसे में आपके लग्न पर भी, आपकी राशि पर भी, और साथ साथ सूर्य पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। सही विचार आपको एक्सेप्ट करने नहीं देंगे शनि महाराज। शनि ने दुख देना है, शनि ने दुख देने के लिए क्या होगा, अच्छी बातों को एक्सेप्ट नहीं कराना है, हर में विरोध उत्पन्न करना है। अब हमने सिद्धांतिक तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये सब बातें बताई, सीधी तरह से बुद्धिमानी के साथ हम यदि कर लें तो बहुत सुंदर से ये, लेकिन शनि महाराज हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ों में अड़ाने वाले हैं, सही रास्ता पकड़ाने वाले नहीं है, क्योंकि शनि की स्थिति ऐसी चल रही है इस समय में। देखिए अपने स्वभाव को बैलेंस रखिएगा। बैलेंस स्वभाव यदि इन दिनों रहा आपका, बहुत ज़्यादा हम कई बार क्या होते हैं, बहुत नरम हो जाते हैं, कई बार बहुत गर्म हो जाते हैं, बस यही समस्या का कारण रहेगा इन दिनों। बाकी सब तरीके से आपके लिए विचार सही, सब कुछ ठीक रहेंगे, लेकिन यदि आप बैलेंस होकर चलें,
यानी कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बैलेंस होकर चलिए ना, हर चीज़ को बैलेंस रखते हुए चलने का आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। कभी कभी मन शांत हो तो देवता का सानिध्य लें, किसी तीर्थ का स्थान ले लें, यात्रा कराएं, चांदी के बर्तन में नित्य प्रति भोजन कर लें। चंद्रमा को साधन, मन को साधना है। शनि महाराज अंतःकरण को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में अंतःकरण को साधने के लिए चांदी के बर्तन में भोजन कर लें, चांदी का गिलास में पानी पी लें। मन को साधने के लिए थोड़ा दूध का उपयोग नित्य प्रति कर लें, दूध का दान भी कर सकते हैं, दूध को थोड़ा सा इस्तेमाल करने का प्रयास। चंद्रमा मन को साधने से आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से योग बन सकते हैं। ये ग्रहों का योग बहुत सुंदर बन के आया है। उदित बृहस्पति के साथ सूर्य का विराजमान भाग्य में होना, आपकी राशि के स्वामी भाग्य में होना, ये बहुत सुंदर योग बनाने वाला है। तो आपकी राशि और लग्न यदि है सिंह तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर राशि लग्न कोई और है तब यह स्थिति को हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी राशि प्रभावित हो रही है, लग्न राशि या जन्म राशि। उन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से उन चीज़ों को शोध करके समझने की आवश्यकता है। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए समय ओवरऑल बहुत अच्छा दिखाई देता है। कुछ उपाय भी हमने आपको बताए हैं, यदि आप वो करते रहेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए उन्नति के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे हम लोग भी बचपन से बाल्यकाल से आज 50 वर्ष की उम्र तक बहुत सारे जन्मपत्री, हजारों जन्मपत्री, लाखों जन्मपत्री देखे हैं, और बहुत सारे लोग यही बात आगे कहते हैं कि बड़ी विचित्र विडंबना लगती है कि महाराज हमारी कुंडली में ज्योतिष ने बताया कि ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जब जन्मपत्री हमने देखने का प्रयास किया तो समझ में आया कि भाई ये योग तो देखे, बड़े अच्छे अच्छे योग तो देखे, लेकिन कमियाँ कहाँ हैं वो तो देखने का प्रयास करें। जब वह दरिद्र योग कुंडली में आया तो उसने समस्त प्रकार के राजयोग को समाप्त कर दिया, उसका उपचार सही समय पर कर लें। जैसे किमुद्रम योग है तो वो छन्नी योग है, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कहीं और बैठा ही नहीं है। तो यदि वो योग विद्यमान है तो 10 प्रकार के क्या 100 प्रकार के राजयोग भी हों, राजा के घर में भी व्यक्ति पैदा हो जाए तो भी छन्नी बन जाती है, लाखों करोड़ों रुपए हाथ में रुकते ही नहीं है। तो इन सब योगों को अच्छे से समझने के लिए जन्मपत्री पर विचार करना परम आवश्यक है, अच्छे से अध्ययन करना परम आवश्यक है, और उसके बाद सही समय पर सही उपयोग किया जाए। जैसे आपको किमुद्रम योग की बात बताएं कि बहुत वर्ष पूर्व एक जन्मपत्री आए, उसमें हमने कहा कि भाई एक काम करो, इनके आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का दरिद्र योग है, तो इसको उपाय करने के लिए सबसे पहले एक ध्यान रखो कि इसका एक रिजर्व फंड तैयार कर दो कि कभी भी ये बच्चा इस पैसे को हाथ ना लगा पाए, कैसी स्थिति बन जाए, केवल इसका ब्याज ही इसको मिलता रहे। ये उपयोग ये प्रैक्टिकल उपाय है, इसको आप उपाय कर यदि आप ये कार्य कर लेंगे तो देखियो क्योंकि कुंडली में दरिद्र योग है, कब ना स्थिति ऐसी बन जाए और कब उसको परिवर्तन करने के लिए, ऐसे में उनके पिताजी ने ये उपाय किया और मैं आज भी देखता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में वो फंड काम आता है। तो ध्यान रखें, ये सब ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उपाय जो है बहुत चमत्कारिक प्रभाव करते हैं, लेकिन बुद्धि के अनुसार से समझ कर, विशेष तौर पर जो अनुभव का लाभ लेते हुए यदि इन जन्मपत्रियों को, योगों को अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और हमने जन्मपत्री को अध्ययन करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अनेक विषयों पर विश्लेषण कर ये जो गोचर का प्रभाव है वो आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इन सब गोचर का प्रभाव भी और साथ साथ मूलभूत जन्मपत्री को समझ कर, उनकी दिशाओं को, अंतर दिशाओं को समझ कर यदि कार्य किए जाएँ तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम इस प्रकार के शोध में पिछले काफी वर्षों से लगा हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहकर यहाँ बहुत सारे हमने भारतीय पराविद्याओं के विषयों पर शोध किया, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषय आश्रम की तरफ से समय समय पर प्रकाशित किए गए। 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं, स्वप्न विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, कुंडलनी महाविद्या के ऊपर, मंत्रों के किस प्रकार से कार्य होते हैं, मंत्र कौन से कार्यों में विशेष करते हैं, कभी कोई मुकदमा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कैसे अनुष्ठान कार्य करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कैसे कार्य करेगा, मंत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, तो इन सब विषयों को बहुत वैज्ञानिकता के साथ समझने की ज़रूरत है। और हमने इन सब विषयों पर बहुत सुंदर तरीके से बाल्यकाल से अपने पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहकर बहुत सुंदर तरीके से उन चीज़ों को समझा और आपके अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपके समक्ष वो सारे रहस्य उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आप विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं भी आ सकते हैं, यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और रविवार को उस कार्यक्रम में सब लोग वहाँ उपस्थित होकर सुंदर तरीके से माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करते हैं। माँ भगवती पीताम्बर जगदम्बा की बहुत सुंदर दिव्य प्रतिमा यहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा हमारे आश्रम पर प्रतिष्ठित की गई है। वो जब कोई व्यक्ति लेकर आए और उन्होंने यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित करी, तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में सानिध्य, माँ भगवती का सानिध्य लेकर अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। और ये ज्योतिष के विषय जो है कहीं कपोल कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष है,
इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। लेकिन समस्या क्या हो गई है, आज ज्योतिष जो है वो दुकानदारी बन गई है, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दुकानें बना दी हैं लोग, कई लोग तो ऐसे हैं कि हाथों में आठ आठ दस दस अंगूठियाँ पहन के घूमते हैं। मैं भी जब जन्म एक बार एक चैनल पर सबसे पहले गया तो मुझे कहा गया कि महाराज आपने ना नग पहन रखे हैं ना मालाएँ पहन रखी हैं, और ऐसे में तो ज्योतिष की जो इमेज होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। तो भैया हमने कहा देखिए हम तो इसी प्रकार से सीधी तरीके से बैठ के प्रोग्राम देंगे, आपको बैठना कराना हो कराएं, ना कराना हो ना कराएं। लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि होड़ लगी हुई है लोगों में, वो टीवी पर बैठे हुए ज्योतिषी अपनी मालाओं को दिखाने के लिए कि मैं उसने चार पहन रखी है तो मैं आठ क्यों ना पहनूं। इस विषय पर ज़्यादा कार्य करते हैं लोग, लेकिन प्रत्यक्ष जो अध्ययन है शास्त्र के संबंध हैं उस पर बात कम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आप देखते होंगे नेशनल चैनल्स पर, सब जितने बड़े चैनल्स हैं उन सब पर उपस्थित रहा और बहुत समय समय पर रहता भी हूँ, लेकिन वास्तविक तौर पे सत्य को ज्ञान को शास्त्र को अपने रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। बाह्य आवरण बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन उस बाह्य आवरण से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे बहुत सारे शोध के साथ जुड़ें, बहुत सारी पुस्तकें जो आश्रम से प्रकाशित हैं उन सबका अध्ययन लें। यहाँ आश्रम पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल विराजमान है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत सुंदर सेंटर है, मुद्राओं पर अद्भुत कार्य किया गया है। आपको पता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप विभिन्न ग्रहों का उपचार करने का प्रयास करते हैं, सूर्य का आप उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य को किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो ये सूर्य मुद्रा है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो केवल ये सूर्य मुद्रा अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से उंगली को लगा देने से सूर्य मुद्रा बन जाती है। अद्भुत रूप से सूर्य की शक्ति, किसी का सूर्य नेगेटिव है उसको ठीक करना है तो इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आप समझें आप बहुत प्रकार से अपने सूर्य की नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का प्रयास कर सकते हो। और साथ साथ यदि शनि खराब है, शनि का दुष्प्रभाव ठीक हो ही नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी उंगली को, ये शनि की उंगली है, अंगूठे के बेस पे लगाकर इस प्रकार से मंत्र जब ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मुद्रा से कर लिया जाए तो हमने देखा कि किसी नग की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल इन मुद्राओं का अभ्यास कर आप बहुत सारे ग्रहों के योग को, नेगेटिव योगों को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा आपको पता होगी, बृहस्पति, ये उंगली बृहस्पति की है और इसको यदि अंगूठे के साथ लगा दिया जाए तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। बृहस्पति के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति कमज़ोर है किसी का और लेके हर ज्योतिषी जो है वो अपने रत्न को बेचने के लिए दूसरे का रत्न हमेशा नेगेटिव कहेगा, अपने रत्न को पॉजिटिव कहेगा हमेशा ज्योतिषी विज्ञान जो आज की दुकानदार चलाते हैं, कि ज़रूरत नहीं है आपको लाखों रुपये के उस पुखराज पत्थर को पहनने की। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, शास्त्रोक्त है। आप सोचें भगवान कृष्ण भी इसी मुद्रा में गीता का उपदेश दे रहे थे, कहा जाता है प्रपन्न पारी जाता है तो उत्तर वेत्रे पाणे ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीता मृत्युए नमः, कि भगवान कृष्ण ने गीता का अमृत जो ज्ञान था इसी ज्ञान ज्ञान का स्वरूप बृहस्पति और ये बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो अद्भुत प्रकार से आपके वास्तविक तौर पर हम इन्हीं रहस्यों के ऊपर इस चैनल के माध्यम से आपको समझ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप भारतीय पराविद्याओं को सही रूप से समझेंगे और दुकानदारी से हटकर के विभिन्न ग्रहों को ठीक करने के लिए दुकानदारी ऐसी विचित्र हो गई है। शनि का तो बाजार आज की तारीख में इतना बड़ा व्याप्त हो गया है कि तेल पर तेल, तेल पर तेल, हर कोने पर, हर दुकान, हर गली के कोने पर एक शनि मंदिर उपस्थित हो गया। शास्त्र में कहाँ वर्णित है शनि के मंदिरों को बनाने का वर्णन कहाँ मिलता है शास्त्रों में? आप सोचें कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं सौ सौ टीन तेल के चढ़वा देते हैं शनि महाराज पर। कहाँ, मैंने कभी एक बार बात करी, भैया कहाँ डालते हो उन तेल को? कहते हैं जमीन के अंदर डाल देते हैं। जमीन के अंदर डालते हो तो जमीन को और ख़राब कर रहे हो। एक इतनी मेहनत से निकाला गया तेल और उसका परिष्कृत पद्धति और उसके बाद आपने उसको जमीन के अंदर डाल दिया, टॉक्सिन कर दिया, जमीन को भी खराब किया। तो शास्त्र में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार से समय समय पर हम लोग इन सब बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज समय मिला तो हमने इस बात को भी आपके राशि के अनुसार से रखा, लेकिन और भी बात करें, आशा करते हैं आप इन सब बातों को पॉजिटिव रूप में लेने का प्रयास करेगा। हम किसी पे आक्षेपित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में कहीं कोई दुकानदारी नहीं दी गई है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ज्योतिष उपस्थित कर सकता है।